आप अपने OnePlus 7T स्मार्टफोन पर BGMI गेम को कैसे 90 FPS पर प्ले करें? बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपका मेरी एक और अन्य वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ OnePlus 7T स्मार्टफोन का जो नया अपडेट आया है 11.0.2.1 का। इस पर मैंने BGMI को प्ले किया तो वो यहाँ पर 90 FPS पर देखने को मिल जाता है, परंतु इसे आप कैसे 90 FPS पर प्ले कर सकते हैं, इससे पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में बताऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मेरा डिवाइस पहले कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन OS 11 के नए अपडेट के साथ में था। यहाँ पर मैंने 90 FPS को सेलेक्ट किया हुआ था, साथ में गेम के अंदर भी कुछ मैंने ये 90 FPS पर इसको सेलेक्ट कर लिया था। उसके बाद मैंने देखा कि इसमें एक नया फीचर्स आया है मॉनिटर डेटा का, इसके द्वारा मैंने चेकआउट किया तो यहाँ पर यह 90 FPS पर नहीं जा रहा है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब मैं बताऊँ कैसे आप इसे 90 FPS पर प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले आप रिफ्रेश रेट को सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पर आपका रिफ्रेश रेट 90 FPS होगा कुछ इस तरीके का। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है स्विच्ड डायनेमिकली बेस्ड ऑन सिनेरियोज 90 FPS अगर आप कर देते हैं तो यह डायनेमिकली चेंजेबल होता रहता है, इसे आपको फिक्स करना है। परंतु आप फिक्स कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको सिंपली एक एप्लीकेशन चाहिए होगा जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इसका यूज आप करेंगे, यहाँ पर आपको डिवाइस को अपने बूटलोडर अनलॉक नहीं करना है, रूट नहीं करना है, ना ही कोई TWRP इंस्टॉल करनी है। सिंपली आपको PC के द्वारा USB केबल के द्वारा कनेक्ट करना है अपने डिवाइस को, और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से सबसे पहले अबाउट फोन सेक्शन में जाना होगा। इसमें 4 से 5 बार टैप करना होता है बिल्ड नंबर पर, उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। आपको डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाना है और USB डिबगिंग नाम के ऑप्शन को इनेबल कर देना है। इसे आप इनेबल कर देंगे, अब अपने मोबाइल को आप PC से कनेक्ट करा देंगे USB केबल के द्वारा। उसके बाद आपको PC पर आना है और वो एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म टूल्स नाम का जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड किया था उसको आप एक्सट्रैक्ट करा लेंगे कुछ इस तरीके से, और इसे ओपन करेंगे यहाँ से, और इसमें ADB को आप डबल टैप करके रन करा देंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माउस की राइट की को एक बार प्रेस करेंगे तो ये आपको ओपन पावर सेल की कमांड देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर आप टैप कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर ADB डिवाइसेस लिखेंगे, इसके बाद इंटर कर देंगे तो आपको यहाँ पर मोबाइल फ़ोन पर एक पॉपअप देखने को मिल जाएगा जहाँ पर आपको अलाउ करना है टिक करते हुए। अलाउ कर देंगे कुछ इस तरीके से, जब आप पहली बार कनेक्ट कराते हैं तब ऐसा देखने को मिलता है, मुझे ऐसा देखने को नहीं मिला क्योंकि मैं यहाँ पर पहले भी करा चुका हूँ इस कार से। अब आपका डिवाइस यहाँ पर दोबारा से ADB डिवाइसेस की कमांड आपको PC पर देनी है और आपका डिवाइस नेम आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अब आपको यहाँ पर सिंपली ये जो कमांड है आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसको आपको लिख करके डालना है। मैं यहाँ पर इसे कॉपी करते हुए पेस्ट कर देता हूँ, मैंने ये कमांड पहले से ही लिख रखी है। अब आपको यहाँ पर इंटर कर देना है कुछ इस तरीके से, और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक और लाइन कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब आपको अपने मोबाइल को डिसकनेक्ट कर देना है PC के द्वारा, और यहाँ से USB केबल को निकालते हुए अब मैं आपको दिखाऊँ रिफ्रेश रेट, तो यहाँ पर देखता हूँ 60 FPS सामने शो हो रहा है, परंतु जब टैप करता हूँ तो यहाँ पर कोई भी सिलेक्टेड नहीं है, यानी कि ये डिवाइस अब 90 FPS पर कम्प्लीटली चल रहा है। यहाँ पर डायनामिकली फीचर्स अब इनेबल नहीं है, यह 90 FPS पर ही है डिवाइस। तो अब मैं आपको अगर गेम को प्ले करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये 90 FPS के ऑप्शन पर है, साथ में आपको यहाँ पर ये जो 90 FPS है वो 87-90 तक पूरा कम्प्लीटली जाता हुआ देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अब आप गेम का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ तरीका है जिसके द्वारा आप यहाँ पर इसको इनेबल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, इसके द्वारा आप अपने गेम का हर समय चिकन डिनर कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से 90 FPS को इनेबल कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपके पास PC या लैपटॉप नहीं है तो आप अपने किसी दोस्त के लैपटॉप के द्वारा भी यह सहायता ले सकते हैं और अपने डिवाइस को यूज कर सकते हैं 90 FPS के लिए। उम्मीद करता हूं आज की यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, इसके लिए आप हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर लें क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लाने की कोशिश करता रहता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।